देखिए सारी प्रॉब्लम यह है कि आपको यह पहचानना है, यह जानना है कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता है। जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। जब सुकाल था तो पूरी दुनिया को यह पता नहीं था, पूरी दुनिया को यह पता नहीं था कि अकाल आने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात साल का सुकाल था, अच्छा टाइम था। किसको फुर्सत है अकाल के बारे में सोचने? एक लाइन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने चाहता हूं, 42वां अध्याय, बस 42 का पहला और दूसरा पढ़ दीजिए। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। बस बस, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। सब उपदेशक उसका 12वां अध्याय, 11वें से पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अब यहां पर आप कहेंगे इसका उससे क्या मतलब है? इसी से तो मतलब है, जो 7 साल सुकाल के थे, जो जवानी के थे, उसमें मिस्र को छोड़ करके, मेरी बात सुनिए, एक बात इधर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, वो 7 साल सुकाल के अकाल का उल्टा जब पैदावार हो रही थी, मिस्र देश को छोड़ के कोई देश अन्न जमा नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको तो ये लग रहा था कि धना धन, इस साल भी खूब फसल, अगले साल भी खूब फसल, फसली फसल। अपनी जवानी में खूब मगन रहे, खूब अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगर याद रख, ये 7 साल अगर सुकाल के हैं, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा और अकाल के शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम यहां पर जो आते हैं ना, आप सोचते होंगे यार हर संडे जाने से क्या फायदा, पिछला संडे भी ऐसी था, अगला संडे, बिल्कुल ठीक कह रहे, ये 7 साल सुकाल के, मैं नहीं जानता हूं 7 है कि 14 है, लेकिन अभी ये सुकाल का समय है, अभी हमारे पास अन्न, हमारे पास रोटी, जीवन की रोटी, धनाधन हो रही है। एक काम कीजिए, यही टाइम है बचा लेने का, यही टाइम है जमा कर लेने का, कि जब अकाल हो तो आपके लिए कहा जाए भैया अन्न तो मिस्र में है, कहे अन्न तो तुम्हारे यहां भी हुआ था, क्योंकि जब उसने कहा, यूसुफ ने सपने का जब उदाहरण दिया तो उसने कहा कि पूरी धरती पर अन्न होगा, अन्न तो हर जगह हो रहा था, केवल ऐसा नहीं था कि मिस्र ही में हो रहा था, मगर अच्छी बात यह थी कि मिस्र में प्रभु का मानने वाला एक मौजूद था और उसको मालूम था कि एक दिन ये सुकाल खत्म हो जाएगा और अकाल शुरू हो जाएगा। आज लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। जो 7 साल थे ना मित्रों, उसमें उसने मैंने हम लोगों ने पढ़ा ना, उसने बखारे बनवाई, हर एक नगर में अन्न इतना भरवा दिया, समाने की जगह नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये कोई है मेरे साथ। यीशु मसीह ने कहा, अभी तो दिन है मगर एक रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता है। मत करिए सुकाल को, इस सुकाल को इग्नोर करिए ना, एंजॉय कीजिए, मत आइए चर्च ना, 52 संडे होते हैं, 50 गायब कर दीजिए, 2 में चले आइए, मत दीजिए ना दशवान, कोई बात नहीं, अभी आपकी कोई घटी नहीं होगी। आप कहेंगे अरे दे दिए क्या फर्क पड़ता, नहीं दिए तब भी तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात, एक दिन आएगा, लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है। क्यों कनान, तुम्हारे यहां भी तो इतना अन्न हुआ था, काहे नहीं तुम भी कस करके रख लिए? आज तुमको कहना पड़ रहा है, कनान को कहना पड़ रहा है, मिस्र में अन्न है। सुनिए, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, यानी एक दिन विपत्ति के दिन आएंगे और क्या होगा सुनते रहिए, जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा के बाद बादल फिर गिर आए
उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। कौन है घर का पहरुआ? आपके हाथ और पैर, और बलवंत झुक जाएंगे। पिसनहारियां क्या होंगी? थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ दे। झरोखों में से देखने वालियां, योर आईज, आपकी आंखें। मित्रों, मैं अकाल की चर्चा कर रहा हूं, अभी सुकाल है। प्रभु, इन आंखों से तेरे वचन को मैं देख लूं। उसने कहा, जो बूढ़ी स्त्री थी, शिमोन था जो मंदिर में था, मैंने अपनी आंखों से तेरे दर्शन को देखा है। प्रभु, मेरी को ताकत दीजिएगा। और क्या है? सड़क की ओर किवाड़, आपके कान सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा उसमें भय खाया जाएगा, मार में डरावनी वस्तु मानी। ये आपके बुढ़ापे की तस्वीर है मित्रों, ये आपके अकाल की तस्वीर है। कोशिश कीजिए, जब आपका सुकाल हो, आप इतना भर लीजिए, इतना बटोर लीजिए। लिखा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमेश्वर कभी आपके धन इकट्ठा करने पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। करो ना, मगर गलत जगह मत करो। करना है तो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। हमने सुना है कि मिस्र में अन्न है। अपने कानों को बंद मत कीजिएगा मित्रों, आंख भले ही बंद कीजिएगा, कान आपके खुले रहे। प्रभु, कह कि तेरा दास सुनता है। हर संडे अब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, देखने के लिए मौजूद हो जाइए। प्रभु, मेरे को तो सुनना है। ठीक है, हो सकता है अभी बिशप साहब ना हो, सकता है अभी पाई साहब ना, अभी हो सकता है फलाने ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप है ना प्रभु। ये सुकाल का समय है। एक दिन अकाल होगा, हम चाह करके भी, बिशप साहब चाह करके भी प्रीच नहीं कर पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हमारे सड़क के दोनों किवाड़ बंद हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। आज हम कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू डू इट। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। याद रखिएगा, मोहब्बत तभी मोहब्बत होती है जब उसका जजमेंट होता है, जब उसका न्याय होता है। और लिखा है कि न्यायी आएगा और न्याय करेगा, भेड़ों को तो दाहिनी तरफ और बकरियों को बाईं तरफ करेगा। ये होगा मित्रों, देयर विल बी अ टाइम व्हेन दीस थिंग्स विल हैपन। अरे कल तो नहीं हो रहा है, परसों तो नहीं हो रहा है, इतने दिन से बोला, वेरी गुड। आपको जो बहाने करने करिए ना, कौन मना कर रहा है। मगर जिस दिन ये जो सबोपदेशक की चीजें आपके साथ होंगी, जो आपके पापा के साथ हुई, आपके मम्मी के साथ हुई, आपके दादा दादी और नाना नानी, वही हमारे और आपके साथ भी होगा। कोई इंसान अमरौती खा के नहीं आया। वी आर ऑल गोइंग टू गो थ्रू दैट लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ। हम सब उस चक्र से होकर के जाएंगे। क्यों ना जब तक सुकाल है इतना जमा कर ले कि उसके बाद बाइबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, बुलवाओ कहां से बुलवाना है, कहलवाओ कहां से कहलवाना है। हालेलुया। मित्रों, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एक दिन अकाल का समय आएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ढूंढते रह जाएंगे, बिशप साहब कुछ बोल नहीं रहे, अब तो प्रीच नहीं करते, अब तो बताते नहीं। मैं, कोई बात नहीं, बिशप साहब की पुरानी बातें, उनके पुराने उत्पत्ति, उनका पुराना प्रकाश सब हमको याद है, क्योंकि जब वो बोलते थे तो मैं सुनता था और उसको मैंने बटोर के रखा था। हमने सुना है कि मिस्र में अन्न है। उस अकाल में भी प्रभु ने एक इंतजाम रखा था। आज वो दिन है, आज का वो दिन। आप अपने दिल से कहिए, प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में भर लेना चाहती हूँ। मेरे जीवन में और कुछ रहे ना रहे, तेरा वचन बराबर मौजूद रहे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु, एक दिन इसी वचन से हमारा न्याय होगा, इसलिए होने दीजिए कि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो तो वचन हमारी गवाही दे, वचन हमारा वकील बन जाए, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ। और तू हमारा वो एडवोकेट है, हमारा वकील है, हमारा बिचवैया है। वचन हमारा बिचवैया है। वचन खड़ा होगा और बोलेगा कि इसने सुना था, इसने तेरा वचन सुना था प्रभु, इसने तेरे वचन पर ध्यान दिया था प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजाला है। सुनने की ताकत कभी खत्म नहीं होने दीजिएगा प्रभु जी। हम अपने हृदय में उसको इतना भंडारण कर लेना चाहते हैं कि कितना भी अकाल क्यों ना हो, भयंकर अकाल क्यों ना हो, अन्न रहेगा प्रभु जी, और हम जीवित रहेंगे और तेरे नाम की गवाही देंगे। थैंक यू जीसस।